यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट के वीडियोस में। तो आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो आज मैं माइनक्राफ्ट नहीं खेलने जा रहा, आज मैं आप लोगों के लिए मस्त मोड्स लेके आया हूँ 5। और ये देख के आप लोगों को बहुत ही मज़ा आ जाएगा, तो लास्ट वाला मोड ज़रूर देखना। और गाइस, अगर आप चैनल में ना तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो एंड तक देखना, और अगर थोड़ी सी भी पसंद आई वीडियो तो लाइक कर देना। और जो लास्ट वाला मोड है ना, देख के आप लोगों का भाई चौक जाएंगे पूरा। ऐसा मोड लाया है मैंने, बट आप लोगों को यह माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में बहुत हेल्प देता है अगर आप पॉकेट एडिशन खेलते हो तो। तो हमारा पहला मोड आता है बेंटन का मोड। तो आपने जरूर बचपन में बेंटन देखा ही होगा, तो हम लोगों ने इसलिए लेके आया है बेंटन का मोड। मतलब मैं हम तो नहीं मैं तो इसमें आप लोगों को मिल जाता है ओमनीट्रिक्स और उसके साथ बहुत सारे स्पॉनर, जैसे कि ग्वेन, ग्रैंडपा मैक्स, केविन, केविन 11 और विल गैक्स, ऐसे बहुत सारे। तो अगर आप लोग वेंटन का फैन हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। तो हाँ, मैं जो बोल रहा था कि हमारा जो इसमें ऑमनीट्रिक्स होता है वो आपको भी मैं दिखाता हूँ। तो आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि ये मेरा स्किन है, बट ये मेरा स्किन नहीं है, ये मैंने कुछ आर्मर पहन के रखा है। ये देखो, जहाँ से फिर मैंने ये आर्मर पहन के रखा था यार। तो मैंने एक एक्स्ट्रा मॉड फिर लगा दिया था दो। तो हाँ, ये मैं जो बोल रहा था कि ये ऑमनीट्रिक्स है और आप लोग इससे एलियन चूज कर सकते हो और आपको जो एलियन बन जाए आप होल्ड प्रेस करके उस बन सकते हो। और इसको फेंको। तो हाँ, मेरा सेकेंड मोड जो बोल रहा था, सेकेंड मोड है लास्ट वॉर मोड और उसके साथ हैट्स मोड। तो इसमें आप लोगों को मिल जाते हैं आर्मर्स और हैट्स, और मैंने इन आर्मर्स में आपको मिल जाते हैं ये, मतलब पिगलिन ब्रूट का है, ये लाइब्रेरियन का रहता है, न्यूटी का होता है, विलेजर का होता है, और वंडरिंग ट्रेडर का होता है, विच का भी होता है, टर्निप होता है टर्निक। और अगर आप लोगों को विच बनने का शौक है तो ये पहन लीजिए भाई, विच लगोगे यार, मैं तो विच ही लग रहा हूँ। और उसके साथ आप लोगों को मिल जाता है यार, अगर आप लोग इस विच के इस ड्रेस को लेते हो ना तो आप लोगों को कभी कभी इफेक्ट भी मिल सकता है अगर आप सर्वाइवल होते हो तो। आपको क्या इफेक्ट मिलता है? आप फ्लाइंग कर सकते हो, मैं जैसे क्रिएटिव में कर रहा हूँ। और आपको मिल जाता है पोशन का, मतलब अगर आप लोग कोई भी पोशन चाहते हो तो आप ले सकते हो, बट आपको कमांड में उस पोशन को सिर्फ नाम लिखना है। जैसे कि मुझे अगर चाहिए पॉइजन का पोशन या फिर हीलिंग का पोशन, मैं लिख दूंगा हीलिंग, बस मेरे पास वो पोशन आ जाएगा। तो ये हर वक्त नहीं आता, अगर आप लोग इसको बहुत बार पहनते हो तो तब आता है। और अभी मैं क्रिएटिव में हूँ इसलिए आ रहा नहीं रहा। तो इस लास्ट वार में जो बोल रहा था उसमें आप लोगों को ऐसे मोड, यहाँ पे नहीं, इसका फेंको, ऐसे आर्मर्स मिल जाते हैं। और अभी मैं अगर गोल्ड एग चाहूँ तो गोल्ड एग भी अपने सिर में लगा सकता हूँ। तो आपको मिल जाते हैं ऐसे आर्मर, एमेथिस्ट का, कॉपर का और इस चीज़ का भी। और यहाँ पे आप लोगों को मिल जाते हैं स्वॉर्ड्स बहुत सारे, और इसके लिए आप लोगों को स्पॉनर में जाना पड़ता है और वहाँ से आप क्रिएटिव में इस स्पॉन हैट क्राफ्टिंग के भी लगा लेंगे तो आप कुछ भी हैट क्राफ्ट कर सकते हैं। देखो, अगर मैं इसका स्पॉन करता हूँ, वहाँ पर स्पॉन किया है, तो अगर मैं अपने पैर के सामने यहाँ पर स्पॉन करूँगा तो ये ट्रेड दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर ट्रेड दिखा। अगर मैं इस ट्रेड को ऑप्शन करूँगा तो यहाँ पर मुझे ये सारे मिल जाएंगे। और ये क्या है भाई, पता नहीं, देखना पड़ेगा, नाम देख लो पहले। नेदर रेड चाहिए, वाह भाई वाह, क्या फेस लग रहा है यार, मस्त फेस दे रहे, छी इसके लिए इतना भाई, ये ठीक नहीं किया इसने, डैमेज दे इसका चुपचाप। तो हाँ, मेरा जो थर्ड वाला मोड, थर्ड तो हो गया, मेरा जो फोर्थ वाला मोड है वो आपको भी दिखाता हूँ। तो गाइस, आपने ज़रूर कभी ना कभी तो सोचा होगा कि यार माइनक्राफ्ट जब इतना पुराना गेम है तो इसमें ड्रैगन तो होना चाहिए या फिर कोई पुराना मॉब, तो ये तो नहीं है माइनक्राफ्ट में। तो इसलिए मैं लेकर आ चुका हूँ ड्रैगन मॉड्स फॉर माइनक्राफ्ट। तो इसमें आप लोगों को मिल जाते ड्रैगन के एग्स,
बट यार ड्रैगन एग से अगर चोरी करना है ना तो बहुत सावधान से करना। हाँ यहाँ पे हेबल्स बनाने पड़ते हैं, और जो ड्रैगन्स वहाँ पे आपको दिखते हैं ना, कुछ कुछ ड्रैगन खतरनाक होते हैं बट सारे ड्रैगन्स नहीं। जैसे कि अगर मैं कोई ड्रैगन का स्पॉनर भी मिल जाता है आपको, बट अगर आप एग को मिनिमम 4 दिन या फिर 5 दिन रखते हो तो आपको वो एग तोड़ना पड़ता है फिर से, बट केयरफुली। अगर उसके बाद आप लोगों को मिलता है उसका स्पॉनर, तो आप लोग क्रिएटिव में हो तो डायरेक्ट स्पॉनर भी ले सकते हो। तो और माइनक्राफ्ट में वैसे एंडर ड्रैगन का तो कोई काम नहीं, लॉल। तो आप लोगों को इसमें बहुत सारे ड्रैगन्स मिल जाते हैं, जैसे 3 सिर वाला ड्रैगन, और मिलता है ये नेमोस ड्रैगन। ये भाई मतलब अच्छे खासे ड्रैगन होते हैं, और आप लोग इस ड्रैगन फूड से इसे टेम कर सकते हो। बट जब ये बड़े हो जाते हैं आप लोग सैडल होल्ड प्रेस करके इन्हें पहना सकते हो, और अगर ये आप लोग इसे सैडल पहना दिया ना तो आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हो। और ख़ास बात क्या है इन लोगों की, कि अगर आप लोग इनमें बैठते हो या फिर इन्हें टेम कर लेते हो ना, ये छोटे से ही भाई आप लोगों को अगर कोई ड्रैगन या फिर कोई वार्डन तक मारे ना, उन्हें मारने चला जाता है। जैसे कि वुल्फ, डरने लगते हैं इन लोगों को। और वुल्फ के मतलब वुल्फ और इन लोगों का अगर कंपेयरिंग किया जाए तो वुल्फ ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और इनका एक बाइट मतलब जो डैमेज देता है ना, वुल्फ का 3 बाइट्स इतना डैमेज नहीं दे सकता भाई, मतलब अलग ही लेवल का है ये भाई, सेट से आ जाएगा। आप लोग अगर इसमें मिनिमम 100 ब्लॉक्स तक इनसे दूरी अगर रखेंगे ना तो भी आ जाएगा, और आप ड्रैगन फ्रूट खा भी सकते हो, इससे आपको हेल्थ बूस्ट मिल जाता है। तो यार फाइनली आ चुका है हमारा 5th वाला मोड, जो कि आप लोगों को बना सकता है हीरो ब्राइन। ये मस्त मोड है, आप लोगों को बहुत काम आएगा। तो यार देखो मैं भी यहाँ से आप लोगों को मिलता है इस हीरो ब्राइन का हेलमेट और हीरो ब्राइन की पावर, तो आप लोगों का फुल आर्मर मिल जाता है हीरो ब्राइन का। उसके साथ एक स्वॉर्ड मिलता है जिसका 50 अटैक डैमेज होता है, और उसके साथ आप लोगों को मिल जाता है हीरो ब्राइन का स्पॉनर। और अगर आप लोग इसको पहन लेते हो तो आपको ऐसे इफेक्ट मिल जाता है और आप थोड़ा मोटा बन जाते हो। बट अगर आप लोग सर्वाइवल में होते हो ना तो आपको पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, और आप लोग इस हालत में भाई सिर्फ इन दोनों को ले सकते हो, पहन सकते हो। और आप लोगों को मिल जाता है हिडन लेगिंग्स, उसके साथ आप लोगों को मिलता है एक टेमर मॉन्स्टर फ्रेंड मेकर। तो अगर आप हीरो ब्रेन को स्पॉन करते हो तो आपको मिल जाता है वो। तो यहाँ पर कॉप एड हीरो ब्रेन को गलती से स्पॉन मत करना, फ्रेंडली हीरो ब्रेन को करना जिसे आपको टेम कर सकते हो। और अगर आप लोग सर्वाइवल में होते हो ना तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैं भी अभी मैं वार्डन का स्पॉनर ले रहा हूँ, और मैं चुका सर्वाइवल में, और इन वार्डन भाई मैंने कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिगाड़ दे तो माफ कर देना। कौन हुआ है बोला था, जब तक आप लोग उस हेलमेट को मतलब हीरो ब्रेन्स का पावर को पहन रखते हो तो आपको वार्डन भी कुछ नहीं कर सकता, बट जब आप उसे उतार दोगे वार्डन के सामने तो बस खत्म, समझे गाइस। तो गाइस आज के लिए ये मोड्स का वीडियो इतना ही, आई होप आपको यह पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।